सिद्धि ओम नमः सिद्धि नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो अरिहंतानं नमो वज्रायानं नमो लोये सबसाहुं नमः शमशालाये स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वाय वाय सर्वभावान्तरे तत्वों का श्रद्धा है सम्यक ज्ञायक में ही अहम हुआ इष्ट अनिष्ट कल्पना नासी निर्मल भेद विज्ञान हुआ सहज तृप्त निष्काम परिणति किंचित नहीं विषमता तत्वों का श्रद्धा सम्यक दर्शन है। तत्वों का सम्यक श्रद्धा। अब तत्वों के बारे में यह पढ़ाना अविधेय नहीं है। इस समय सात तत्व नहीं पढ़ाएंगे। सात तत्व पढ़ाएंगे तो पूरा पाठ बदल जाएगा। बस श्रद्धा पे जोर देना है। तत्वों का श्रद्धान है सम्यक श्रद्धा पर प्रवचन श्रद्धा का होना है। यहाँ पर सात तत्व का नहीं होना है। तत्वों का श्रद्धान है सम्यक ज्ञायक में ही अहम हुआ सात तत्व का सम्यक ज्ञान तुम्हें हो गया कैसे मालूम पड़े कि तुम्हारा अहम ज्ञायक में हो गया। सात तत्वों का सच्चा सिद्धांत तुम्हें हो गया इसका पता कैसे लगेगा कि तुम्हें ज्ञायक में अहम हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हें मोक्ष जाना भाई बहुत महत्वपूर्ण दिखता है और ज्ञायक महत्वपूर्ण नहीं दिखता तो तुम्हारा सिद्धांत झूठा है। तुम संबंध रिजा तो चाहते हो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो चाहते हो और ज्ञायक में अहम हो ही नहीं रहा तो तुम्हारा तत्वों का सिद्धांत झूठा है। समझे क्या कहने तुम आश्रय बन से तो डरते हो और ज्ञायक पकड़ते ही नहीं हो तो तुम्हारा डरना बेकार है। आश्रय बन से डरना बेकार। हरि साहब लिखा है आश्रम दुकार घनेरा। सही है सही है। आश्रम दुकार घनेरा मतलब ज्ञाय को भूलना दुकार घनेरा। क्या कहा क्यों ज्ञाय को भूलने पर ही तो आश्रम बंद होते। समझ आएगी श्रद्धा का प्रवचन होगा। अहम ज्ञायक में ही अहम हुआ मैं ज्ञायक हूं
ज्ञायक हूँ, आश्रम बंध में भी ज्ञायक हूँ, संबल निद्रा में भी ज्ञायक हूँ, मोक्ष में भी सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ होता है। ये क्या है? मोक्ष में तो कुछ होता है, ज्ञायक में कुछ नहीं होता, आश्रम बंध में कुछ होता है, हमारे में कुछ नहीं होता। समझ आ गया? अबे साथ तो थोड़ी पढ़ाई है, जीव अजीव जानो, जीव अजीव जानो, वो तो साथ तो अक्षर सुनना पड़ेगा। आहा, तत्वों का श्रद्धान है सम्यक, ज्ञायक में ही अहम हुआ, ही ज्ञायक में ही। स्वामी जी कहते थे मोटा बल, बल धारण करता है, बल धारण करता है, अहम धारण करता है। जिसको ज्ञायक में अहम नहीं होता वो पर्याय में अहम करता है, वो पर्याय में अहम करता है। पर्याय में अहम करता है मतलब दुखी है, दुखी है, दुखी है, कैसे विकल्प, कैसे विकल्प, कैसे विकल्प, दुखी है। संबर निद्रा ए आश्रबन, आश्रबन में दुखी होना भी ज्ञायक में अहम नहीं है। तुम अपने घर नहीं आ पाए हो इसलिए भटक रहे हो। अब अपने घर में क्यों नहीं आ रहे, हम पूछ रहे तुमसे। अब ये तो रोना रो रहे, हम भटक 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 रहे, तो हम क्या करें? तुम भटक रहे, तुम अपने घर में आ जाओ ना। ज्ञायक में नहीं आओगे तो आश्रम बंद का रोना रोने से काम नहीं चलेगा। संबल निद्रा की याचना करने से, भावना पाने से शुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, शुद्धि की उत्पत्ति है, शुद्धि की वृद्धि है। करते रहो, गीत गाते रहो, जिसके आश्रय से शुद्धि की वृद्धि होती है, शुद्धि की उत्पत्ति होती है, उधर तो देखो। जिसके आश्रय से शुद्धि की उत्पत्ति होती है, वृद्धि, उधर देखो। अरे साहब मोक्ष की पर्याय गजब, गजब है, गजब। अभी सच कहते हैं, इस सात तत्व सुन करके जीव इमोशनल होता है, वो मिथ्या दृष्टि है, और इमोशन का त्याग हो जाता है तो इसे एक शब्द है, सहज तृप्त निष्काम परिणति। पर्याय की बात, सहज तृप्त निष्काम परिणति, सहज तत्व निष्काम तृप्त, किंचित नहीं विषमता, किंचित भी विषमता नहीं आती। अब तुम सोचो, तृप्ति नहीं है इसलिए विषमता है। तुम्हारी गलती नहीं, किसी किसी की गलती नहीं, जब तृप्ति नहीं है तो विषमता तो होगी। भोजन नहीं किया है, भूखा आदमी है, वो तो भोजन देखेगा, भोजन करा नहीं रहे उसको, वो भोजन से तृप्त हो नहीं रहा है। वो कह रहे देखो मत, ए बहुत गंदे आदमी हो, भोजन क्यों देख रहे, भरे पेट पे तो बच्चा भी नहीं देखता। बच्चा भी वो छोटा था, आपने देखा कभी छोटा बच्चा, उसको मम्मी दूध भर देती हो सीसी में, लेकिन उसे पेट भरा है तो देखता तक नहीं, देखता तक नहीं है, पकड़ता तक नहीं है। और जब भूखा होता है तो पकड़ लेता है बोतल और चूसता रहता, चूसता रहता, जैसे पेट भरो लुढ़क गई, लुढ़क गई बोतल, ए बेटा मीठा दूध है, गरम दूध है, बढ़िया दूध है, महंगा दूध, अब तुम चुप रहो। सहज तृप्त निष्काम, निष्काम, निष्काम क्या होता है, कोई काम बाकी नहीं रहा, निष्काम माने कोई काम बाकी नहीं रहा। अब काम माने इच्छा होती है, कोई काम बाकी रहा हो तो काम हो, इच्छा हो, यदि परिपूर्ण ना हो तो कोई इच्छा होगी ना, परिपूर्ण में इच्छा कैसे होगी। खीर परिपूर्ण है, क्या इच्छा करोगे बताओ, खीर परिपूर्ण है, अच्छी खीर बन गई, अब सांस झगड़ा कर रही,
हम शक्कर डालते थे हमें, बहू बोली क्या कर दे, हम नहीं डाल दे तो इलायची डाल दे। बहू बोली देखो हाथ जोड़े तुम्हें, हम बहुत आदर कर रहे तुम, बिल्कुल मत डाल। अच्छा हम आओ घर है, हाँ आपका घर है बिल्कुल, हम भी आपकी चरणों की सेवा के, तो हम क्यों नहीं डाल सकते, डाल नहीं देंगे। अच्छा तूने कब्जा कर लो हमारे घर पे, हम खीर में शक्कर नहीं डाल सके, इलायची नहीं डाल सके। है ना, क्यों नहीं डालने दे रही बता, उसे कोई भी प्रकार का मिथ्या सोच नहीं है, ना वो कब्जा कर रही है, ना उसे सासू का विरोध है, लेकिन वस्तु में परिपूर्णता है ना, खीर कंप्लीट है, शक्कर डल चुकी है, इलायची डल चुकी है, सब कुछ डल चुका है, अब तुम क्या करना चाहते। हमारा घर है तो आपका घर है बिल्कुल ठीक, आपका घर होने पर भी शक्कर तुम्हें डालने देंगे। अब जी है झगड़ा हुआ, उस परिपूर्ण ज्ञान को देखो जिसके बाद कोई इच्छा ही नहीं रही। बोलो कठिन है थोड़ी सी बात, जिस ज्ञान को देखने पर सब आश्रम बंद की शिकायत नहीं रही, कब दूर होंगे कब दूर होंगे कब दूर होंगे, शिकायत नहीं रही। सूक्ष्म बात है, ज्ञान की परिपूर्णता देखने के बाद आश्रम बंद की शिकायत नहीं रही, संबल विद्रा की कमी नहीं रही, मोक्ष की जरूरत नहीं रही। बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे, अरे है लिखी है, पंडित साहब एक बार बोले हम क्या करें तुम इतने ऊंचे हो, तुम ऊंचे हो हम क्या करें। हम समय सारी कलश टीका में राजमल जी पांडे साहब लिखते हैं, हम बढ़ा के नहीं कह रहे, हम बढ़ा के नहीं कह रहे, सचमुच तुम हो। अब कहो तो दृष्टान दे दे, क्यों मुझे पता है पचेगी नहीं जीवा, ऐसे कैसे क्या है, आश्रम बंद की शिकायतें नहीं होगी, समझ लेना की वांछा नहीं होगी और मुक्ति की कमी नहीं दिखेगी। सहज मुक्त जब बेटे उठो उठो चलिए आराम कर लीजिए, कोई बात नहीं तुम थक जाते बेटे, जा चलिए आराम कर लीजिए। सिर धोया कर, सिर धो लिया कर। एक बता दृष्टांत दे दे रहे हो तो क्या, दृष्टांत से बिना समझोगे नहीं, दृष्टांत के बिना समझो। घर में गरीबी है और बेटी की शादी करनी है और एक करोड़ मांगे, अच्छा दहेज की कितनी शिकायत करोगे, बोलो बहुत जमाना खराब है, बहुत जमाना खराब है, तो दहेज मांग रहे कहाँ से ले आए, मोड़ी बेच दे हम बिक जाए का करें, अभी आश्रम बंद, समाज खराब है, नेता खराब है, पैसा वालों ने लूट लो, काहे को जैन धर्म, काहे की पंडित जी, काहे के सेठ जी, हम तो मरे जा रहे हैं, हमारी मोड़ी एक करोड़ कहाँ से लाए, कुआ में धकेल दे का करें, तो कितनी सोच रहा, कितना कितना सोच रहा है नाना प्रकार से, बताओ इसकी सारे दुख एक क्षण में दूर कर सकते हो, बोलो चंद्रेश एक क्षण में दूर कर सकते हो, जितनी ये शिकायतें कर रहा है समाज की नेताओं की फला की इसकी उसकी जितनी भी शिकायत कर रहा है एक क्षण में दूर कर सकते हो। चिंता मणि रत्न, चिंता मणि रत्न पाने के बाद कितनी देर आलोचना करेगा बताओ, प्रॉब्लम अभी भी है दहेज की, गरीबी अभी भी है, लड़की अभी भी है, दहेज मांगने वाले अभी भी है, नेत पर जो प्रॉब्लम थी वो सब है, लेकिन चिंतामणि आहा देखते ही सही बताऊं राजेश अब क्या प्रॉब्लम रही, आश्रम बंद हुई कितनी कंप्लेंट रही, अरे जब ध्रुवी ही मिल गया तो आश्रम बंद कैसे टिकेगा, जब ज्ञायक ही मिल गया तो कैसे टिकेगा। स्वभाव के सन्मुख ए भैया प्रसन्न जी क्या कर रहे बेटे, सुनो सरल है खेलोगे तो फिर तो कठिन सरल विषय भी कठिन लगेगा, कोई बात नहीं बच्चे सुन रहे हो, हाँ बंद करो के साथ ऊपर रखो, अच्छे से रखो किताब लटक गई, सुंदर ध्यान से
बताओ, चिंतामणि मिल गई, इसके बाद कितने विकल्प करेंगे वो? इसे ज्ञाय की मिल गया, आपको पता नहीं है जैन शास्त्र में ज्ञाय की प्राप्ति मैंने कितनी बड़ी चीज है, आत्मा का मिलना कितनी बड़ी बात है। आत्मा का मिलना मैंने आत्मा का समझना, आत्मा का समझना, ओ मैं आत्मा हूं, ये बात समझ में आ गई, ये विश्व का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा काम है। ज्ञाय में ही अब हमें कोई काम नहीं रहा, कोई नहीं कामना शेष रही, कोई कामना ही नहीं रही, क्यों? परिपूर्ण में क्या कामना होगी? देखो अब यहां से ले दे, मैं ज्ञायक ठीक है, मुझे छोड़कर सब अजीब, मैं जीव, बाकी सब अजीब, और ज्ञायक कोई नहीं पता था अनाधिकाल से, तो आश्रम बंद हो रहा था, और ज्ञायक को जानते से संबंध से शुरू, और ज्ञायक मुझे संभाले से मोक्ष हो गया। बताओ ज्ञायक मिला मैंने कछु नहीं मिलो, अभी भी इतनी नीरस भाषा में बोलते हैं लोग, हो ज्ञायक ज्ञायक करत ज्ञायक, तो हम भी बात से कहो, एक इंद्री भी ज्ञायक है, निगोदिया भी ज्ञायक है, बात कहा, ओहो मरे जैसे हंसी बात हो गई, जैसे स्त्री कहे जो पति तो है वो काम को वो ले आए देखी मेरी तो ना है का काम को पति, ऐसी गरीबी भोग रहे जब पति के चक्कर में कहे, अरे पति का होना क्या है, अहम ज्ञाय का अहम क्या है, और क्यों ना हो अहम, जिसके बल पर सारा काम हो रहा उसमें अहम क्यों ना हो, शुभ क्रियाओं में अहम नहीं करना है, ध्यान रखना शुभ क्रियाएं उपयोगी हैं, उपाधि नहीं है। एक लाइन में पूरा चरणा जो कहती है, भजन देने की जरूरत नहीं है, अहम नहीं करना है उसका, होवे तो खरा, स्वामी जी क्या बोलते थे, होवे तो खरा, इतने में सब कह दिया, चौकस करना, पानी छानना, खाना पीना, जो जो करना चाहिए अष्ट क्या तुम्हारे सट आवश्यक एकदम चौकस, लेकिन अहम करने लायक नहीं, अहम करने लायक नहीं। लोक में तो बिल्कुल चतुर हो, मैं हजारों दृष्टांत दूंगा तो आप लोक में बिल्कुल चतुर हो। बताओ एक लड़का लड़की की शादी करनी है और लड़के का निर्णय नहीं किया, एक काम नहीं किया बस, केवल एक काम, लड़के का निर्णय कब बारात आएगी कौन है पता नहीं, तो हमने सोची जब तक अपने पास पैसा बहुत है मंडप तो बना ही लो और मिठिया बुला लो ग्वालियर से इंदौर से, और 100 तरह के आइटम बनवा लो और दहेज ला के रख लो, पूरा काम तो कर ही लो, ये तो काम तो कर ही लो, काम का दिक्कत, लड़का नहीं मिलो मत मिलन दे, ये कहीं काम तो नहीं हो। पंडित साहब ने पूछा था, बताओ शादी करने के लिए 100 काम की लिस्ट बनाओ, अब तुमने सारे काम कर लिए, वो लड़का है तो अब मैं पूछ रहा हूँ 99% काम हो गया कि नहीं हो गया, सौ में से एक काम नहीं हुआ, 99 काम हो गए, बैंड बाजे आ गए, मंडप आ गया, मिठाई बन गई, मेहमान आ गए, पत्रिका छप गई, ये कहीं काम नहीं हुआ बस, बाकी तो 99 तो हो गए ना, और खर्चा भी देख लो 1 करोड़ खर्चा होगा, 1 करोड़ खर्चा भी हो गया और ताम झाम भी दिख रहा है तुम्हें। अब वो ऐसी बातें कहकर कहेंगे हमारी लड़की शादी हो जाएगी तो हम कहेंगे तेरा ये क्रिया कांड में अहम है, इसके नाम पर शादी नहीं होगी। अहम का मतलब समझिए, ऐसे तुमने आचरण वृद्धि बुद्धिपूर्वक कर लिया सब कुछ, वो तो ठीक है कोई बुराई नहीं है, लेकिन अहम धारण नहीं कर, अहम तो ज्ञायक में ही अहम हुआ। जब हमें कितने ज्ञायक में अहम हुआ तो लोगों झट ऐसा डर लगता है तो आचरण नहीं करें, अरे अहम का मना कर रहे हैं कि आचरण का मना कर रहे हैं, बहुत समझ लो अच्छी तरह, मुझे सबको यही लगता है, नहीं आचरण की कहो, अरे आचरण में अहम करने का निषेध है, आचरण तो यदि हमसे फिर आचरण के प्रवचन सुनोगे तो हम कह देंगे बहुत सुना दूंगा मैं आपको, बात जो लिखी वो उसका अर्थ कर रहे हैं ना, अहम काय में करना, तुम का समझो हमारे पिताजी, अरे तो पिताजी में अहम करने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा,
तुम कहा समझो अब जैन है तो जैन हो गए, कैबे से काम नहीं चल रहा अहम। तो देखो फिर कह रहा हूं ज्या ज्या जे जे योग्य छे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 10 साल से पूजा कर रहा हूँ, सम्यक दर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई 10 साल से पूजा कर रहे हैं इतना किया तो साफ है, परंतु अच्छे से पूजा करो, अच्छे से कार्य करो, अच्छे से मतलब ऐसे चढ़ाओ, ये नहीं है केवल ज्ञान में अहम करो, ये अच्छे से पूजा है। ज्ञान का अनुभव करो, ज्ञान का निर्णय करो, ये अच्छे से पूजा है। पानी नहीं छाने बिल्कुल छानो, अकड़ता देखते हुए पानी छाना। अच्छा तो पानी छाने नहीं, अरे बेवकूफ हम अकड़ता कह रहे हैं कि पानी नहीं छानी कह रहे, पर क्या पाओ हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं पानी छाने कि नहीं। भाई पानी छानने वाला अत्यंत भाव है, देह की क्रिया है और आत्मा उससे अत्यंत भाव है। हम कैसे खाते में डाल दें अपने? स्वामी जी कहते थे लोग व्यवहार जो होगा वो होगा, लोग व्यवहार सब समझ ले, चार अंदर जो जो होगा होगा, खाता तो सही खतौनी करो। क्या कह रहे खतौनी तो सही करो, दृष्टांत दे दे रे, ऐसे नहीं बैठ, दृष्टांत दे रहे बढ़िया सुनना दृष्टांत। ए हीरो पैसा अच्छे में दिया, हम तो दृष्टांत सुना रहे बिल्कुल सर। तुम्हारे घर में मौसी आती है कभी? मौसी मामा तो तुम्हारी क्या इच्छा होती है चली जाए? हम क्या बोलते हैं पता है? अब तुम्हारा ही तो घर है, और बेबी कहते हैं अपनो ही घर है, कोई पराय है क्या? अपनो ही घर है। कहते कि नहीं कहते बोलो, मेहमान जब घर में आते हैं तो अपन भी कहते देखो अपनो घर समझो, कैसी वो नहीं करना क्या कहना था और क्या तुम्हें जो लेना हो जो खाना हो बता देना, परेशान नहीं होना, अपना घर। उनने भी कह दिया अपने ही घर है, कहने में कोई बुराई नहीं है। अब खतौनी सही करो, खतौनी तो सही करो। उनने भी कह दी तुम्हारा घर है, उनने भी अपने ही घर है। अब इतने से आए फ्रीज खोल के काम खा गए, इतने से घूम गए ऐसे सब नमकीन खा लो, इतने यहाँ से मुर्गी डगरिया खा ले तो उतरे गए सब दूध पी ला, इतने मलाई खींच के खा ले अपने तो घर। फिर एक केला खा लो मानो से फ्रिज में से निकाल के, इतना सहते खाते ही नहीं कुछ नहीं। बोलो क्या कहने तुम्हें अब? अपना घर कहने का मतलब यह नहीं है कि तुम स्वच्छंद प्रवर्त हो, खतौनी तो सही कर रहे कह रहे। हाँ अपना घर कहने का हकदार कौन जो अपना नहीं मानता? क्या गजब है। पानी छानने का सच्चा हकदार कौन जो पानी छानने की प्रवृत्ति को जड़ की क्रिया समझता है, देह की क्रिया समझता है, अत्यंत भाव समझता है, कर्तत्व नहीं लेता, अहंकार नहीं लेता उसके बल पे? जी नहीं, हम 50 साल से पानी छान रहे और देखो एक बूंद तक नहीं गिरा, पूरा पानी बिल्कुल 1 घंटा लग जाता पानी छान, साफ बास बिल्कुल बहुत बढ़िया। टोटो में यही बोलेंगे इतना किया तो बढ़िया बहुत अच्छा, हम भी तारीफ करेंगे सारी दुनिया तारीफ करेगी, परंतु अहम धारण नहीं करो। पॉइंट पकड़ना बिल्कुल, क्रिया में चुस्त रहेंगे हम, चरणानुयोग के अनुसार पूरा मन वचन काय की प्रवृत्ति में, बी अलर्ट ऑलवेज, बी केयरफुल, परंतु अहम धारण नहीं करना। क्यों करें बताओ, क्यों करें अहम धारण? पत्नी का अहम पति में होता है दृष्टांत, पत्नी का अहम पति में होता है तो रसोई नहीं बनाती है। अरे वो रसोई में भी पति में अहम है इसलिए बना रही है। आपको पता है भोजन बनाते समय कैसे भाव हो रहे हैं उसको? ए मिर्ची ठीक डालो, उन्हें छीन लगा, ए घी थोड़ा और डाल दे, गर्मी बढ़ रही उन्हें पता। सब्जी बनाते बनाते भी कौन दिख रहा है उसको? पति में अहम। ए काली साड़ी पहन लो, नहीं हम नहीं पहन रहे, काहे उन्हें अच्छी नहीं लगा वो काली साड़ी, सफेद साड़ी जो भी रंग की साड़ी है पति की याद करके पहनती, उसे उन्हें अच्छी नहीं लगती। अब भाई नाराज हो जाए काली काय पहन ले, बोले 24 घंटे पत्नी का अहम पूरा काम करते करते भी पति में है कि नहीं,
कहीं सहेली क्या चली भी जाए ना सहेली में घूमने के लिए, तो अभी बीच बीच में याद आती जाती है, वे घर आ जाएंगे 4 बजे, हम लपटा बनाने घर जाके आपका अब हम जा रहे वे आ जाए घर, घर आ जाए, मैंने वो बैठी इधर है और मनपसंद भोजन, अच्छे से कपड़े धोना, सारा काम पत्नी करती है, और अहम किस में 24 घंटे। ऐसे ही चरणानियों का समस्त आचरण करने पर भी अहम तो गया है, यह कोई विरोधी है क्या चरणानियों का? जी बड़े दिमाग फितूर सा हो गया, जब हम गाय की उड़ता कर देंगे बस पंडित जी गाय करते हैं, वो आचरण के ही नहीं रहे। अरे आचरण का कहते तो पप्पू होगा, आचरण के समय तैसे हटा दे, चौकन निर्देश रख दो, हम चौकन पढ़ाएंगे, पानी छानो फटाएंगे बैठ गए, हम कर चुके सब, अब हमारी उम्र ऐसी नहीं रही, हमारे पूरे प्रवचन व्यवहार के चरणानियों के हो चुके पूरे, मतलब उन प्रकरणों में भी प्रवचन हो गए जिनमें कोई नहीं करता, कोई नहीं करता उन प्रवचनों वो भी हमने किए। जब हम व्यवहार की स्थापना करेंगे तो व्यवहार ही व्यवहार की बात कर ली, कोई दिक्कत नहीं, खाता तो सही रखो। गायक में ही अहम हुआ, कुछ कमी नहीं कुछ दिखलावे, पंडित साहब लिखते रहे कमी नहीं कुछ दिखलावे, कितना साफ साफ लिख रहे कमी नहीं कुछ दिखलावे। हाँ सर, बंद की चिंता नहीं रही, संबल निजरा की वांछा नहीं रही, और मुक्ति की कमी नहीं रही। पढ़ो भैया, पंडित साहब की एक रचना है, स्वरूप स्मृति में छपी है, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ, तो क्या मतलब निकलो यार, अब तुम बैठो बोलो कौन कौन सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, लिख के दो हमें, राजेश लिख के दो सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, बोलो चाहिए, अब जब तक तब तक लिखते रहो जब तक तुम ये ना लिख पाओ कि नहीं चाहिए, क्योंकि तुम उसी के बल पे लिख पाओगे, उसी के बल पे लिख, समय ज्ञान भी नहीं चाहिए, ज्ञान घन चेतु आराधन की नहीं, क्या नहीं चाहिए, आराध त्रिकाल, अरे डोलो 24 घंटे, अब करो सब काम, इसको नीरस मत बनाओ, गाय को जानने वालों का आचरण अत्यंत आनंदमय सावधानी पूर्वक होता है, अप्रमत्त होता है, समिति पूर्वक होता है ना, संधि है, संता की सहचरी है, कितना बढ़िया समय आ गया, तत्वों का श्रद्धान है सम्यक, ज्ञायक में ही अहम हुआ, भगवान की पूजा करें कि नहीं करें, जिनका ज्ञायक में अहम हुआ है वे भगवान की पूजा करें बिना रहते नहीं, और सच्ची करें क्या कह रहे, और वे सच्ची करें तो भी व्यवहार है, क्या कह रहे, परमार्थ नहीं है क्या, ज्ञायक में लीन नहीं हो पाते तब तक परिणति कहाँ जाए, ये तो पसंद ही नहीं है, सो इनके पास जाते नहीं, उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं और कहाँ जाएंगे, क्या तुम्हारी परिणति कहाँ जाती है फालतू बैठने पर, अब स्वास्थ्य में तो मन लगता नहीं पंडित जी, बहुत 2 घंटा पढ़ लो कहाँ कर थक जाए, प्रवचन भी सुना सुना 2 घंटा थक जाए, फिर सब कर लो, फिर आखिर में मोबाइल में मन लग जाता, तो ना टीवी देख ले, फिर जब हार थक जात कहीं मन नहीं लगत, तनक टीवी देख ले, और सम्यक दृष्टि गायक को अनुभव करने वाले जब कहीं मन नहीं लगता तो यहाँ चले जाने, फर्क समझ में आया कुछ, गायक का अनुभव करने वाले पंच परमेष्टि के चरणों में रहते, मिथ्या दृष्टि तो दिखावा के लिए आता है पंच परमेष्टि के पास, नकली आता है, असलियत ही नहीं उसके पास, इसीलिए उसकी भाषा भी खराब निकलती, पूजा निपट गई भाई क्या, हम तो सुबह सुबह निपटा देते, सुबह सुबह निपटा दे,
फिर दिन भर फ्री अपने आराम से, कितना बढ़िया निपटा दिया। तेरी भाषा कितनी बढ़िया है, सम्यक दृष्टि निपटाता है। हमने महाराज जी को निपटा दो आहार देकर। अब हंसी आ गई है तुमको, मुनिराज को आहार देकर निपटा दिया, अब पूजा में कैसे बोल रहे हैं भैया हमारी एक सुबह की पूजा हो गई पूरी, बस स्वाध्याय होगा, अब सब काम निपट गया, अब चलो पाप करें। ये तो निपट गया, ये निपटेगी, तुम निपट गए। शब्द बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये मिथ्या दृष्टियों ने ये भाषा इस्तेमाल करना शुरू कर दी। 10 लक्षण निपट गए, पंच कल्याणक निपट गए, अभी भी यही बोलोगे देख लेंगे, कहो ये पंच कल्याणक अच्छे से निपट गए। निपटना शब्द अच्छा होता है, कितना अच्छा शब्द है, समापन हो गया, संपन्न हो गए, संपन्न हो गए, सम आपन, तू अप्राप्त हुआ कुछ, सम आपन, हम तो तृप्त हो गए, समापन जी है। एक भार उतर गया, मिथ्या दृष्टि को भार है। पंडित साहब ने क्या बोला था बहुत बढ़िया, अज्ञानी को जेल है, नियम संयम पूजन आदि, और ज्ञानियों को खेल है। ऐसे थोड़ी सम्यक दृष्टि ज्ञान हो गया तो पूजा पाठ ऐसी नीरस हो गई, जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया कभी नहीं कहता, वो समझता है। क्या कह रहे हैं हम, सम्यक दृष्टि पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम सब कुछ, जो देहासित क्रिया है, देहासित कर क्रिया आपको मान, कैसा ज्ञान धारी आपा नहीं जाना, है ना लिखा है। तो देह की क्रिया नहीं करता, ये तो मजबूरी है, तो होगी छठे गुण स्थान तक तो बहुत होगी, बुद्धिपूर्वक ही होगी छठे गुण स्थान तक, लेकिन लेकिन इसके इसमें अहम नहीं करता, अहम ध्यान रखना बिल्कुल। अब ये समझाने के लिए मुझे इतना बोलना पड़ता बार बार, झट क्रियाओं में अहम हो जाता है इसलिए कहना पड़ रहा है। सम्यक दृष्टि पूजा पाठ में तो बात सब कुछ अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं करता। मैं घंटा भर बोल सकता हूँ, 7वें अध्याय पढ़ ले, 7वें अध्याय में वो लिखा है मिथ्या दृष्टियों की पूजा पाठ संयम समिति गुप्ति सम्यक चाहित का अन्यथा स्वरूप, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ ही लिया हुआ, अभी आपने वाचना की थी दोपहर में, उसमें सब आया हुआ। उपवास करता है तो रोगियों की भांति काल गवाता है। अभी आज ये बोले भैया नहीं आया काहे, वे आराम कर रहे हैं, कल उपवास है तो ये भैया तो रात भर आराम नहीं हुआ, सुबह से अभी तक भी आराम नहीं हो पा, प्रवचन की हत्या करना आराम है। अब जी अंतराय बंद है, अंतराय का बंद है, नहीं मिलेंगे भगवान सर्वज्ञ, कहाँ समझ अपन, अरे सब तरह से उपयोग बचा किस में लगाने लाएगा। क्या कह रहे, जब मन नहीं लगता तो मोबाइल टीवी, ये अरे ज्ञानियों का जब मन नहीं लगता था देव सास गुरु दृष्टान तो बहुत दे सकते हैं, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। सम्यक दृष्टि ही असली पूजा पाठ का अधिकारी है, निष्ठापूर्वक करता है और उल्लास से करता है और मानता नहीं है। चलो हम दृष्टान दे दे रहे, दृष्टान दे दे, बिना दृष्टान के नहीं समझ में आएगा। सुनोगे बेटे प्रसंग, सुनोगे, देखो बहुत अच्छा दृष्टान दे रहे। दुकान पर असली अहम तो प्रॉफिट में है, असली अहम कहाँ है बनिया का, प्रॉफिट में, समझते हो प्रॉफिट, समझते हो। अब वो कैसे बोलता है दुकानदार से, सुनो भैया आपकी ही दुकान है, अरे पैसा को मांग रहा, ले तो जा, ले जा, ए लस्सी तो पीने पड़ेगी, आप कब आए थे बताओ, साल में कब आ तो माल खरीदो चाहे मत खरीदो, लस्सी तो पीने पड़ेगी। और तुमसे क्या प्रॉफिट ले भैया, तुम अपने घर के ही हो, ले भैया बिल निकाल के, बिल इनसे ज्यादा नहीं लेने अपन, ले हमारी माता जी इतनी पढ़ी लिखी समझदार तो थी नहीं, लेकिन कपड़ा खरीदने गई सब दुकानदार ने एक बिल वो कितनी बड़ी पैसा पटक गई, बहन जी आप तो जहाँ में देख लो वहां से 10 रुपये कम दे दी, जितने रुपया की आई साड़ी वहां से 10 रुपये कम दे दियो, अब अपने घर की बात है आपसे कहा लेने मुनाफा, अब हमारी अम्मा कहा जाने वाले,
रंगीटा से खींचे, एक साड़ियों के बिल माने जी कपड़ा वालों के बिल फट 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 लेकर भी, और एक डॉक्टर कभी नहीं समझ में आएगा, कभी समझ में नहीं आ रही कौन सी साड़ी को लिखो जाने। हमारी मम्मी ने भावताव करी सो उसने समझ ले जी पसंद आ गई, सो उन्हें पैकिंग करवा शुरू कर दिया। तो अब भाव कर रही सो वो भाव तो पे तो कुछ नहीं कह रहा, पैक कर रहा, आप तो ले जाओ बहन जी, हम यही समझ लेंगे हमारी बहन ने पहनी, हम पैसा कम मांग रहे, पैसा कम मांग रहे। अरे आप इतने सालों से हमारे कपड़ा खरीदा, एक साड़ी हमारी तरफ से पहन ली, कहा है हमने सोची हमारी बहन ने पहनी, ये सही है भाषा है। कितने अलर्ट होके कपड़े की दुकान सजाता है, पैकिंग करता है, हाथ जोड़ता है, नाना प्रकार के वचन बोलता है, क्या मजाल प्रॉफिट में से हम निकल जाए। ऐसे ज्ञात में है और बाहर में परमार्थ के साथ साथ होने वाला व्यवहार। अभी कई बार तो ऐसा होता है, सही बता दें, अपने अपनी टटोल के देखी हो गया, हम नहीं जान रहे, अपने अपनी टटोल के देखी हो, हमने तो अपने को टटोला है कह रहे हम तो। ये भाई लोग तो मेरे साथ रहे हैं, इनने कभी ये नहीं देखा कि मैं अमाइन में आया हूँ तो कोई काम स्पेशल करने लगा और अकेले में रह रहा हूँ तो स्पेशल अलग कर रहा हूँ। आज तक मेरे जीवन में ये अंतर नहीं हुआ कि यहाँ मैं पूजा वैसे करूँ और वहाँ वैसे पूजा करूँ, यहाँ ऐसे दर्शन करता हूँ वहाँ वैसे करूँ, यहाँ स्वाध्याय ऐसे करता हूँ वहाँ ऐसे करूँ, ऐसे कभी नहीं किया आज तक। लेकिन अपनी अपनी सोच के देखो, कोई देखने वाला हो अरे कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, यदि ये विचार तुम्हें आ रहा है तो तुम गलत हो। सब जने हैं तो भक्ति कर लेंगे नहीं तो अकेले उठेंगे, सब जने हैं तो पूजा कर आएंगे नहीं तो देखेंगे, सब जने हैं तो शांति से व्यवहार करेंगे, और जब पंडित साहब नहीं हो कोई नहीं हो तो अपन ही पंडित जी बन जाएंगे, चिल्ला चौंक करने लगेंगे। कहा तुम चिल्ला चौंक क्यों करने लगे समाज में भैया, पंडित साहब ने कहा है हम जो कह रहे हैं वो करो, हम जो कर रहे हैं वो मत करो, हमारे औदयी भाव की कॉपी मत करो। लेकिन देखा अपने दो चार भैया ऐसे ही हैं बिल्कुल समाज में ठोक गए। पंडित साहब कई बार कहते हैं समाज पर हमारा अधिकार नहीं है, कर्तव्य है, हमारे लिए गाड़ी नहीं भेजी, हमारे लिए भोजन में ड्राई फ्रूट नहीं है, हमारे लिए पूछो ही नहीं कछु। अधिकार को याद करना ब्रह्मचर्य की हत्या है, हमारे लिए कपड़ा तक नहीं करे, याद क्यों आई तुम्हें। हमें बाबा जी ने कही थी, आत्मानंद जी ने, बाबा जी ने, बेटा ब्रह्मचर्य के मार्ग में हो सकता है कोई भोजन तक ना पूछे, वो कपड़े तक नहीं दे, शराम आए तो जंगल में रहने लगना, पत्ते ओढ़ लेना, नहीं कपड़े मत मांगना। बोलो, यदि तुमको ऐसा लगता है कोई देखेगा इसलिए अच्छे काम करो, कोई क्या कहेगा तो अच्छे काम करो, आप मोक्ष मार्गी नहीं हो। क्यों अपनी दुकान पे आप अलर्ट क्यों बैठते हो, कोई देख ना ले, क्यों प्रॉफिट अच्छे से क्यों ले रहे, ताकि कोई जाना कहे क्या है तुम प्रॉफिट नहीं ले रहे, वहां तो तुम चतुर हो व्यापार धंधे में, तो यहां भी उत्साह नहीं चेहरे पर, क्या पता ये कब हमें उत्साह मिलेगा। आए सुन रहे कैसे हमने तो कभी शंका नहीं करो, गायक में हम करेंगे तो फिर ये चारित नहीं हो, अरे आचरण बहुत अच्छे से होगा, कितने भी दृष्टांत चाहिए उतने दे देंगे हम आपको। बहुत दृष्टांत पहले दे चुके हैं हम, पहले एक बच्चा नर्सरी में पढ़ने जाता है और नर्सरी की डिग्री और ड्रेस और कानून पालन अनुशासन, उससे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी तो स्वयं के टैलेंट से मिलेगी जब पढ़ लिख के तैयार हो, है कि सही बात। बोलो फिर अनुशासन कैसे पालता है, अनुशासन है चरणानियोग हमारा अनुशासन है,
और परानुशासन नहीं, आत्मानुशासन। परानुशासन नहीं है भगवान के डर से, नरक के डर से, नरक चले जावे के डर से, अपयश के डर से नहीं। हमेशा सोचो कोई देख रहा है इसलिए सही हो गए, ये गलत। अकेले में भी ऐसे सो, सर्वक देख ही रहे हैं और सब देख रहे हैं, सर्वक को डर नहीं लगा, दिक्कत से। अकेले में भी ऐसे खाओ, सब देख रहे हैं। पापी पापी व्यक्ति अकेले में अपने को अकेला समझता, ये मिथ्या था। पापी व्यक्ति अपने आप को अकेला समझता, इसमें कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, मजा करो, आराम से टीवी देखो। मैंने एक दृष्टांत दिया, टीवी चाय पी ले, रात को खा लो, 7 बजे तक खा लो। मिथ्या दृष्टि है, इसको नहीं पता अनंत अरंत सिद्ध भगवान के ज्ञान में झलक रहे हो। कोई कीमत ही नहीं अनंत अरंत सिद्धों की। अकेले में भी शिथिल नहीं होना। गुरु विनय बोलो बेटे, गुरु विनय, गुरु विनय, जैसे हम गुरु परोक्ष विनय, परोक्ष विनय, गुरुओं के वियोग में विरह में भी उसी प्रकार प्रवर्तते हैं जैसे गुरुओं के साक्षी में प्रवर्त। ये परोक्ष विनय है। अब कोई नहीं देख रहा तो पाई छान नहीं, डांट तो दो लेटरी में, अब कहा करें, और कोई हो तो अभी परंपरा बिगड़ जाएगी, जी लोग सीखेंगे नहीं पानी अच्छे से छान। मतलब परंपरा बिगड़ने का तो डर है और परिणाम बिगड़ने का। ज्ञायक में ही क्रियाओं में नहीं अहम हुआ, और क्या सुमेल है, सम्यक दृष्टि क्रिया दी बेस्ट होती है। बहुत पकड़ना एम का एम छुड़ाया है, ठीक है। स्वभाव पंडित साहब ने बहुत सिखाया है, स्वभाव आचरण ये उपयोगी है, उपाधि नहीं है। उपाधि नहीं माने एम करने लायक नहीं। जब देखो जब वही बल धारण करती हूँ, हम ऐसे खाते हैं, हम ऐसे पीते हैं, हम ऐसे, भाई साहब तो आजकल ऐसे, भाई साहब तो ऐसे, वे तो ऐसे, जैसे कब फायदा वैसे। भाई साहब तो खराब है ही, क्योंकि जिसका नाम भाई साहब है वो अधिक भाव है, वो अधिक भाव खराब ही हुआ था। नकुल सहदेव के परिणाम अच्छे थे क्या? नकुल सहदेव के परिणाम अच्छे थे बताओ, आशीष बोलो, नकुल सहदेव के परिणाम अच्छे थे। अधिक भाव था ना, खराब ही तो था, मुनिराजों की तो साधन में मुनिराजों की तो भाव आ रहा था, लेकिन खराब था। अधिक भाव कभी अच्छे होते हम अहम कैसे कह रहे हैं? अरे जब शुभ भाव का अहम ही नहीं करते तो जो मोबाइल और लैपटॉप और टीवी का कहाँ करें? नहीं नहीं, लैपटॉप बहुत काम की चीज़ है, अखबार बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। नहीं प्रभु, कोई काम की चीज़ नहीं है, रहे चाहो आ भी जा। हम लैपटॉप लेके घूमते रहते हैं, बहुत कोई रास्ता नहीं हमारे पास, रोज तैयारी करते हैं, कहीं चोरी चलोगे तो अपने जब क्या भर रखा है, चलोगे तो पहले कोशिश कर ली, संकलित नहीं करेंगे, जिस दिन चलोगे उस दिन हमेशा के लिए तैयार तैयार छोटे नहीं, अब नहीं चाहिए, तैयारी रखा। हमारे एक बैग चोरी चला गया कोटा में, हमें तत्काल मजा आया, संकलित का तैयार क्या करें, बच्चा तो पहले ही दुखी उनका चला गया था, अभी कौन पर खुश है, उन्हें और डांट दे और फटकार दे। तो उससे थोड़ी समय पहले, मैंने 10-5 दिन पहले ही समझ लो, मैंने सबको कपड़े दिए थे, भैया चड्डी तुम ले लियो, बनियान तुम ले लियो, हम पे थे, और हमने हमारे वो बैग चोरी चलेगा तो बे ही कपड़ा हमने दिए थे, बे ही वापस मिल गए। यदि हमने वे कपड़ा भी रखे होते वहां में तो जो जो सामग्री हमने भाइयों को बड़े प्रेम से दी थी सबको, भैया जी कपड़ा ले लो, वही कपड़ा पूरे पूरे काम आ गए। हमने बाजार दौड़ने पड़ो,
और भी अगर प्रेमचंद जी वगैरह कपड़ा खरीदने आए आपको कैसे चाहिए क्या करने ले आए, हमें नहीं जरूरत ही नहीं, एक भी कपड़ा नहीं खरीदना पड़ा, बस आपस में पूरे हो गए पूरे। अब बोलो क्या कहें आपको, ये तो एक दृष्टांत दिया है आपको, तैयारी रखना इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं, हम अभी तारीफ नहीं कर रहे, और जो हमारी परिणति में औदयिक भाव है वो तो निंदा है, हम भी उसकी निंदा करते हैं। अरे जब पुण्य में हम नहीं कर रहे थे पाप में कौन हेम करे, और जब पुण्य पाप में ही हेम नहीं कर रहे जीव के परिणाम, तो अजीब पैसा महीसा मकान दुकान लैपटॉप जैसे गिनते रहते हो ना, इसलिए हम लैपटॉप कह रहे बार बार, वहां में कहा है हम धारण, चेतन होकर जड़ से कब तक प्रेम करोगे, क्या है वजह, समझ गए, ओ चेतन के परिणाम। हाँ अब तो समझ में आया, मुक्ति में भी अहम नहीं ध्रुव में अहम, क्या बोल रहे हैं, मुक्ति में भी अहम नहीं ध्रुव में अहम। चलो बहुत अच्छा पाठ है, आगे इष्ट अनिष्ट कल्पना नाशी, नाश के बता दे कोई, इसके बिना कोई नाश के बता दे, बता देना इसके, तुम पैसा में सुख मानते हो, 1 करोड़ मिल जाए इष्ट नहीं लगेगा, क्यों, बहुत जगह भूख लग रही हो तुम अपने को शरीर मानते हो, अच्छा भोजन मिल जाए क्यों दुखी होकर खाओगे, भैया आज तो मजा आ गए बबरा बन गए जो भी कैसी हो सब खुश हो गए, ऐसे भी कैसी बना था ठडूला बबरा का, अरे भैया आज तो बढ़िया बढ़िया भोजन, जट जट इष्ट की बुद्धि कैसे चली जाए। अब हम फिर से बोलो कल कल की भाषा में, ओहो मैं आत्मा, आत्मा तो खाता ही नहीं, जो अनुकूल प्रतिकूल लगा वो कसाय को लगा, वो मेरे को नहीं लगा, मेरा एम तो इधर है, मुझे कहाँ अनुकूल प्रतिकूल है, हो गया भेद गया। हमें कहाँ मिला कुछ, इतने दुखी हैं लोग, इतने दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, न्याय को नहीं जाने के बहुत दुखी हैं, समझाने के लिए दृष्टांत ही, और तो कोई रास्ता ही नहीं, हम क्या कहते हैं दृष्टांत, हम पे ऐसी घटना सच्ची सच्ची आती है, हम वही सुना दे रहे हैं आप। एक व्यक्ति के पास 24 करोड़ रुपया था, अरे बहुत पैसे वाला आदमी था, और एक साधारण मोक्ष जो प्रवचन सुनते थे बैठते थे, मित्रता थी उनके साथ, बिजनेस की, तो 1 करोड़ रुपया उनको दिया, लेकिन उन्होंने भुला दिया, उन्होंने 1 करोड़ वापस नहीं दिया, समझ समझ गए होगे, जिन मित्र की मदद की थी 1 करोड़ से उन्होंने नहीं दिया, अभी भी उनके पास 24 करोड़ है, 24 हैं अभी भी 24, एक उनको है 25 हो जाती, वे भयंकर टेंशन में, इंदौर में मिले हमें, भयंकर टेंशन में, सुनो बहुत बढ़िया दृष्टांत दे रहा हूँ आपको, आपके ऊपर घटा रहा हूँ मैं, आप अपना दर्द समझो, दृष्टांत तो मजबूरी हम आपसे सुना रहे पूरी, भेद विज्ञान कराना है मुझे, ध्यान रखना गप्पे नहीं ठोकरा, तो भी हमें मिले बहुत परेशान, काहे के साथ आदमी, काहे को जो हमने मदद करी 1 करोड़ खा गए, ऐसे हम न्याय होने चाहिए, हम मुकदमा कर देंगे, 100-100 बात है। फिर उन्होंने हमारे प्रवचन सुने होंगे, कोई 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 डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो तो हमसे मिल ले, तो ये हमारे पास आ गए इंदौर में कि भैया हम बहुत परेशान हैं, नींद नहीं आ रही रात को, और बहुत हम परेशान हैं, उन्हें देखते से ज्यादा गोली मार दे, भयंकर गुस्सा आ रही है उन पर, बहुत सारी बातें कही उन्होंने, तो अब आप बताओ हमारे स्ट्रेस कैसे दूर हुए, रुकमेश 24 करोड़ हैं और 1 करोड़ ले हुआ किया, और भयंकर डिप्रेशन उसे, खाते नहीं बन रहा, पीते नहीं बन रहा, लड़ाई झगड़ा टेंशन, 100 आदमी को सुना चुका है वो, मुकदमा करें लड़ाई झगड़ा करें, कहा 100 बात है। फिर उन्होंने कि हमें आप फ्री करो, आपने प्रवचन में कही है, तब जाओ ठीक बैठो, आप कल्पना नहीं कर सकते 2 मिनट में हंसने लगे हुए, 2 मिनट में मैंने क्या से जी बता, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई, 70 साल, क्या साल और जिंदा रहने, 10 साल, लिख लो हिसाब लिखो ना, 70 साल के तुम हो ही गए, तो 70 साल में तुम 24 करोड़ नहीं खा पाओगे, कम पड़ेंगे, 10 साल, हाँ 10 साल में,
दस साल में तुम 24 करोड़ कम पड़ेंगे, तुम खा भी नहीं, नहीं बहुत तो बहुत पड़ रहे, मरते समय हम 24 करोड़ छोड़ के जाएंगे। तो मैंने कहा फर्क पड़ा फिर, 24 छोड़े कि 25 छोड़े, 24 छोड़े कि 25 छोड़े, कहा फर्क पड़ो, नहीं हमारे पास होने चाहिए भाई। तो मैंने तुम्हारे पास ही कहाँ होते, तुम्हारे पास 24 कहाँ है, तुम्हारे पास एक पासबुक में एक करेंट एंट्री होती, करेंट की मोबाइल में, तुम्हारे अकाउंट में रुपये थोड़ी होते हैं, अक्षर होते हैं, अक्षर लिखे लिखा है, तो तुम 25 लिख लो मैम। काहे को परेशान हो रहे थे, जब छोड़ के 24 भी मरोगे, 25 छोड़े कहाँ पर पड़ो। और सही बता ना, सबके आजकल वो क्यों डिजिटल ही तो पेमेंट हो रहे हैं सब, रुपया है ही नहीं घर में, और बैंक में भी कछुआ ऐसा नहीं होती, इनके रुपये खाते में से इतने निकाले 10 लाख तुम्हारे खाते में डाले, ऐसा थोड़ी होते, रुपये वहीं पड़े रहे, केवल एंट्री बदलती है बस। फिर दो एंगल हो गए, फिर तीसरा हम एक बार बताओ, वो अभी पंचकल्याण हो रहे हैं यहाँ के ढाई दीप के, तो कछु रुपये रुपये वो दान देंगे नहीं देंगे, हाँ 61 लाख दे रहे हैं, अरे तो तुम ताली बजा रही, हम आए जी, हम आए जी 61 लाख, बस तुम्हें दान को फायदा हो जाए पूरा, अनुमोदन करो पूरा फायदा हो जाए, निपट गए 61 लाख तो मिल ही गए। मैंने बहुत तर्क दिए, आप ढूंढो, जिन्हें दुखी होना है उन्हें सम्यक ज्ञान दिमाग काम नहीं करता, और जिन्हें हमेशा प्रसन्न रहना है उनका सम्यक ज्ञान हमेशा ज्योतिर्मान होता है और द्योतमान होता है, उस ज्ञान के दीपक में कभी दुखी नहीं होते, कभी अंधेरा नहीं होता, खूब प्रसन्न रहते, खाने की कमी है नहीं, दान देने की कमी है नहीं, ले जाने की व्यवस्था नहीं, रोग आ गए फिर वो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, ये कई बच्चा है सब खुद करोड़ों रुपये कमा रहा है अमेरिका में, अभी हमारे पास कोई यही नहीं, हम बुढ़ा बुढ़ी हैं, तो ही फिर कहा रो रहे, फिर कहा रो रहे, और सुनो तुम बताओ सही सही बात, तुमने आज तक किसी पैसे नहीं खाए, तुमने अपने पिताजी और भैया की बसियत में कोई गड़बड़ नहीं करी जिंदगी में, कभी तुमने दूसरों का हक नहीं मारा, तो उधर कैसे आ गया, जे कर्म पूरा फिर अभी तो पूरी नहीं बता रहा हूं बात, चारों अनियोग है, दुख का कोई काम नहीं, दुख का कोई काम नहीं। अब बोलो पंडित साहब की लाइन, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है, समझे भैया, ऐसे मेहनत करो बेटे, चूसो चूसो किसमें चूसने पड़ेंगे, ओम नमः शिवाय। एक चूंगा पुरुष है ना बनारसी दास जी, चूंगा पुरुष बनो, दो मिनट का एक प्रसंग सुनाता हूँ, दो मिनट सिर्फ।